खाना बनाते समय लगी आग से महिला झुलसी। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में बंदर के छप्पर पर कूदने से छप्पर का फूस गिरा चूल्हे पर, जिससे अचानक घर में लगी आग से खाना बना रही महिला आग से 100% जली। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला अपने घर में खाना बना रही थी कि अचानक एक बंदर छप्पर पर कूदा, जिसके कूदने से छप्पर का कुछ हिस्सा सीधे चूल्हे पर नीचे आ गिरा, जिससे पूरे घर में आग लग गई। वहीं खाना बना रही महिला गंभीर रूप से जल चुकी है, जिसका इलाज संयुक्त जिला अस्पताल शाहजहांपुर में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में खाना बनाते समय लगी आग से एक महिला बुरी तरह झुलस गई है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामला शाहजहांपुर के थाना परौर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम स्तौली का है, जहां गांव वस्तौली निवासी भोले की पत्नी 22 वर्षीय शीला घर में खाना बना रही थी कि अचानक एक बंदर छप्पर के ऊपर कूदा, जिसे नीचे चूल्हे से खाना बना रही आ गई, जहां वह बुरी तरह से झुलस चुकी है। बुरी तरह से झुलसी महिला को आनन फानन में उसे परिवार वाले लेकर जिला अस्पताल पहुंचे हैं, जहां उसे भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों की माने तो वह 100% झुलसी है, लेकिन उसे बचाने के लिए डॉक्टर का पूरा पैनल लगा हुआ है कि वह बच सके, इसकी आस में उसका इलाज चल रहा है। शीला की 2 वर्षीय बेटी भी है। उसके पति का कहना है कि खाना बनाते समय ये हादसा हुआ है। कैसे आग लग गई? खाना बनाते समय बंदरों ने छप्पर मेरा डाल दिया, उसी समय आग लग गई। अच्छा, बंदरों? मैं बाहर बैठा था, जब तक आवाज आई तब तक आग लग गई सारे बदन में। अच्छा, बंदर जो थे वो छप्पर पे कूदे हैं? कूदे गए। ये सीला की माँ है, ये भी पड़ोस, ये खाना बना रही है? ये खाना बना रही थी। अंदर आते हम भी आते छप्पर। रामबती ये बताओ कैसे आग लगी? छप्पर में आग लगी जे इन्हें कभी भी खाना बना लिया छप्पर ऊपर से बंदर ने हला दिया है, तो मेरे को एकदम गिर पर ही आ गई, तो मेरे को एकदम भजने पन्ने की मड़ैया। अच्छा, नीचे ये बना रही हूँ ऊपर? हाँ, त्रिपाल पड़ो तो है, तो मैं फूल तो मैं पन्नी फटी थी, भजने लगी नीचे चूलो। हाँ, साड़ी इनकी टेरी काट की। हाँ, बामे लग गई थी, पजर ले हमने कहीं निकाल ले, हमारे लपेट लग गई थे, भाटाड़ में आगे बाहर। महिला आई थी पड़ोस से, 100% बर्न इंजरी था और हालत बहुत गंभीर अवस्था में।